हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ माहिरीन एम अ टीचर इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निचला थड़ा आज हम जोग्राफ़ी के जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल गुड की शेप दे देते हैं तो आ, क्या होता क्या है मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग होता है जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वान्टिटी में उसको प्रोसेस करने के बाद यानी कि रॉ मटेरियल से उसको जब जब हम प्रोसेसिंग करते हैं उसमें हम एक वैल्यू वैल्यू uh, uh, डालते हैं तो वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाता है दैट इज़ फॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल कॉटन जो है कॉटन से हम यौन बनाते हैं और यौन से हम टेक्सटाइल uh, uh, मिल्स के थ्रू कपड़ा बनाते हैं जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं तो ये हो जो पूरा का पूरा है ये मैनुफैक्चरिंग होता है और ये सारा कुछ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है इसके अलावा जैसे कि लकड़ी हो गई वुड वुड से हम पेपर बनाते हैं उसके अलावा शुगर केन शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं थ्रू शुगर इंडस्ट्रीज़ तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं मैन्युफैक्चरिंग की विच इज़ डन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं वो प्राइमरी मटेरियल्स को फिनिश गुड में तब्दील करते हैं और जो लोग टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं वो इन फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में जाकर सेल करते हैं मतलब कस्टमर्स तक कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं स्टूडेंट्स uh, uh, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है एक नेशन की उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं उसको हम मेजर करते हैं बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यानी कि एक देश में कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनका स्टैंडर्ड क्या है उनका स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट क्या है उससे हमें एक देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पता चलता है अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की यानी कि क्या ज़रूरतें हैं इन इंडस्ट्रीज़ की क्या फ़ायदे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि आ, इंडिया में जो है मोर देन सिक्सटी परसेंट पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है तो कई लोग जो है अपनी जॉब को स्विच कर रहे हैं यानी कि वो एग्रीकल्चरिस्ट से मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आके काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर पे जो है डिपेंडेंस वो कम हो रही है उसके बाद आ जाता है रिड्यूसिंग पॉवर्टी स्टूडेंट्स जब जॉब्स अवेलेबल होंगी लोगों को तो अल्टीमेटली पॉवर्टी भी जो है वो कम हो जाएगी उसके बाद आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट मीनस जब हम अपने देश से दूसरे देशों में अपने चीज़ें बनाकर बेच भेजते हैं बेचते हैं तो जो कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज होती है वो बढ़ जाती है यानी कि फॉरेन uh, का पैसा ज़्यादा आने लग जाता है तो इससे ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ नेशनल प्रॉस्पेरिटी जो देश रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट uh, कर लेते हैं उनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हायर चांसेस होते हैं हम अपने देश की बात करें यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज हैं यानी कि रॉ मटेरियल को वी आर कन्वर्टिंग इन द फिनिश्ड गुड्स इन द शेप ऑफ़ शुगर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं उसके अलावा ये बॉक्साइट है ये सारी चीज़ें क्या करती हैं क्रूड ऑयल रिफाइनरीज हैं ये सारे क्या करते हैं फिनिश रुट में कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को ये सारा कुछ हमारे देश में होता है सो हमारे देश के भी नेशनल प्रॉस्पेरिटी के चांसेस ज़्यादा है एक लास्ट में मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगी आपको स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है दे मूव हैंड इन हैंड इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जैसे कि हम एग्रीकल्चर में जब काम करते हैं आज तो लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर होता है तो हमें मैनुफैक्चरिंग गुड्स मैनुफेक्चर्ड गुड्स की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जैसे फ़र्टिलाइजर्स हैं उसके बाद इरीगेशन इक्विपमेंट्स हैं उसके अलावा जो भी प्लोइंग वगैरह हो रही है तो जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं वेअ दे कम फ्राम दे कम फ्राम द मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आफ्टर दे गेट मैनुफैक्चर्ड और उन चीज़ों को हम यूज़ uh, करते हैं एग्रीकल्चर में सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्स्ट्री मू हैंड इन हैंड कल हम फिर इसी चैप्टर के कई नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अइस डे